दोस्तों फिलहाल तो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर गदर मचा रखा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है और अपने पहले 7 दिनों में ही फिल्म ने कामयाबी के वो झंडे गाड़ दिए हैं जिसको जिंदगी भर याद रखा जाएगा। गदर 2 की कमाई ने कई बड़ी फिल्मों को अब तक पीछे छोड़ दिया है और जो आने वाली कुछ और बड़ी फिल्में बची है उन फिल्मों को ये जल्द ही पीछे छूटने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि गदर 2 के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है कि आखिरकार गदर 2 पठान फिल्म को कब तक पीछे छोड़ देगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जो कि साल 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में, अपने पहले 7 दिनों में इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी, और शाहरुख खान की फिल्म पठान जो कि साल 2023 के शुरुआत में ही 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, अपने पहले 7 दिनों में यह फिल्म इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी। और साथ ही साथ बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी सनी देओल की फिल्म गदर 2 अपने पहले 7 दिनों में हिंदी भाषा में टोटल कितनी कमाई कर चुकी है इंडिया के अंदर, कौन कौन सी फिल्मों को ये पीछे छोड़ चुकी है, क्या पठान फिल्म का रिकॉर्ड टूटा या नहीं। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल और बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग खान शाहरुख खान और रॉकिंग स्टार यश को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 की जो कि साल 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। इस फिल्म से भी लोगों के इमोशन जुड़े थे और यही वजह रही कि यश के फैन इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और यश की जो फैन फॉलोइंग है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है और यही वजह रही कि फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म ने हिंदी भाषा में बहुत बेहतरीन कलेक्शन किया। अगर मैं फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूं तो दोस्तों फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में पूरी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ पैसे की भी ज्यादा की कमाई करके सिनेमाघरों में इतिहास रचा था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं केजीएफ चैप्टर 2 के शुरुआती 7 दिनों के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी जिसका बजट मात्र 100 करोड़ रुपए का था। फिल्म में हमें संजय दत्त, सरनिधि शेट्टी और रॉकिंग स्टार यश अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में 55 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 47 करोड़ रुपए का। तीसरे दिन फिल्म ने इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में 43 करोड़ रुपए कमाए थे। चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन था 50 करोड़ रुपए का। पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 26 करोड़ रुपए और छठवें दिन फिल्म की कमाई रही थी 19 करोड़ रुपए और अपने 7वें दिन केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी भाषा में कमाए थे 16 करोड़ रुपए। और केजीएफ चैप्टर 2 का अपने पहले 7 दिनों में जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में वो था 256 करोड़ रुपए और ये अपने आप में उस टाइम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन दोस्तों फिलहाल बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म पठान की। तो पठान फिल्म की हम जितनी तारीफें करें कम है क्योंकि 4 सालों के बाद बॉलीवुड का किंग खान शाहरुख खान वापसी कर रहा था। फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था फिल्म पठान का और यही वजह रही कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दुनिया भर के सिनेमाघरों से लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। पठान फिल्म के अगर शुरुआती 7 दिनों के हम हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपए का था। फिल्म में हमें जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान अहम किरदार में नजर आए थे और फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी भाषा में 55 करोड़ रुपए की कमाई की थी सिर्फ इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन था 68 करोड़ रुपए। तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 38 करोड़ रुपए। चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 52 करोड़ रुपए। पांचवें दिन फिल्म ने इंडिया में हिंदी भाषा में कमाए थे 58 करोड़ रुपए और छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 26 करोड़ रुपए और सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 22 करोड़ रुपए। तो फिल्म पठान का जो हिंदी भाषा में अपने पहले 7 दिनों में टोटल कलेक्शन था वो था 319 करोड़ रुपए जो काफी बड़ा रिकॉर्ड था और यानी कि अब तक एक रिकॉर्ड है और अभी तक भी ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से पठान फिल्म का अभी तक का ये रिकॉर्ड सबसे बड़ा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम बात करेंगे गदर 2 की। तो गदर 2 ने किस कदर से गदर मचा रखा है यह आप सभी जानते हैं क्योंकि फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और इसके साथ साथ कई और फिल्में चल रही है जैसे कि रजनीकांत सर की जेलर, अक्षय कुमार सर की ओ माय गॉड 2,
लेकिन बावजूद इसके गदर 2 ने पूरी दुनिया भर के सिनेमाघर अपने नाम कर रखे हैं और हर जगह जहां पर भी ये फिल्म लगी हुई है हर जगह पे सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं, क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो तूफानी कमाई कर रही है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए अभी तक। अगर मैं गदर 2 के शुरुआती 7 दिनों के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, क्योंकि हिंदी में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया के, तो मैं आपको बताता चलूं कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी है जिसका बजट मात्र 100 करोड़ रुपए का है। फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए। फिल्म ने अपने पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख रुपए की इंडिया से नेट कमाई की थी, दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन था 43 करोड़ 8 लाख रुपए का और तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 51 करोड़ 70 लाख रुपए, चौथे दिन फिल्म की कमाई रही थी 38 करोड़ 70 लाख रुपए की और पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 55 करोड़ 40 लाख रुपए, छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 32 करोड़ 37 लाख रुपए और अपने पहले 6 दिनों में फिल्म गदर 2 ने 261 करोड़ 35 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे हिंदी भाषा में। सातवें दिन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज भी ये फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 26 करोड़ रुपए कमा रही है, तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हिंदी भाषा में इंडिया के अंदर वो 287 करोड़ रुपए हो रहा है। तो अब पठान फिल्म से सिर्फ 2 कदम पीछे है, क्योंकि पठान फिल्म अभी भी आगे है, अभी भी नंबर 1 है, लेकिन गदर 2 ने केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पूरी तरह से धो दिया है, पूरी तरह से पछाड़ दिया है। लेकिन अभी पठान बची हुई है, पठान नंबर 1 है, जी हां दोस्तों पठान अभी भी आगे, लेकिन गदर 2 के फैंस चाहते हैं कि पठान का रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि गदर 2 हर एक दिन एक ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, क्योंकि गदर 2 का जो छठवें दिन और सातवें दिन का कलेक्शन रहा वो पठान फिल्म से ज्यादा रहा। तो मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं गदर 2 पठान का ये रिकॉर्ड आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले 4 से 5 दिनों में जरूर तोड़ देगी। लेकिन आप क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा।